यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हे बिन्यामिनियो, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो और तकुआ में नरसिंगा फूको और बेथकेरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति और बड़ी आपदा आने वाली है। सुंदर और सुकुमार सियोन को मैं नाश करने पर हूं। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे और अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा करता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि दाखलता की नाई इसराइल के बचे हुए सब ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलू और किसको चिताकर कहूं कि वह माने? देख, ये ऊंचा सुनता है और ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, वे यहोवा के वचन की निंदा करते और उसको नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का प्रकोप मेरे मन में भर दिया गया है और मैं उसे रोकते रोकते उकता गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। और यहोवा की यह वाणी है कि उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां और सब औरों के हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं और वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते भी नहीं। इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे तब वे भी नीचा खाएंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। फिर मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन और देख कि मैं इस जाति पर क्या विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए लोबान जो शबा से सुगंधित नरकट जो दूर दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यो कहा है कि देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप बेटा पड़ोसी और संगी वे सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा
यो कहता है कि देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दय है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर की नाई शस्त्रधारी होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकल जाओ, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट, जैसा विलाप एकलौते पुत्र के लिए होता है वैसा ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने तुझको अपनी प्रजा के बीच गुम्मट व गढ़ इसलिए ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले वे सब बहुत ही हट्टी है, वे लुतराई करते फिरते हैं। इन सबों में भी चाल बिगड़ी है, वे नीरा तांबा और लोहा ही है। धौकनी जल गई, शीशा आग में जल गया, ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है। बुरे लोग निकाले नहीं गए, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है।